नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत दुखद खबर के साथ करें। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जिक्र, आज उन्होंने शरीर त्याग दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पहाड़ पर यहां मुनि महाराज पंच तत्व में आज विलीन हुए। उनके अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से जैन समुदाय के तमाम लोग पहुंचे। देखिए तस्वीरें। जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार देर रात अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के साथ 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। उनके शरीर त्यागने की खबर के बाद जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और वो पंचतत्व में विलीन हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में अधिवेशन के दौरान अपने संबोधन में पीएम ने विद्यासागर जी महाराज का जिक्र किया और इस दौरान वे भावुक नजर आए। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि लेने पर शोक जाहिर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ सहित देश दुनिया को अपने ओजस्वी ज्ञान से पल्लवित करने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देश और समाज के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य, उनके त्याग और तपस्या के लिए युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। आध्यात्मिक चेतना के पुंज आचार्य विद्यासागर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। वहीं जैन मुनि के निधन पर छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में सरकार के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में कमलनाथ का भी जिक्र, क्योंकि बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई और असर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप प्रदेश में लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर लालच और दबाव की राजनीति करने के आरोप लगाए। अब इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कमलनाथ को लेकर हंगामा है, जिसका असर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ पर ना पड़े ऐसा कैसे हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है। बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं बचा जिसके पास फोन नहीं गया हो। बैज ने कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी के ऑफिस से भी शामिल होने के लिए फोन आया है। हमारे कार्यकर्ताओं को लालच देकर, लालच देने का काम, पद देने का काम, सरकार में एडजस्ट करने का काम, अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं बचाओ जिनके पास फोन नहीं गया है। सभी पीसीसी पदाधिकारी, सभी नेताओं पास फोन गया, बेशर्मी से फोन गया है। और ये सभी मंत्रियों के ऑफिस से, जहां तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर के ऑफिस से फोन गया है कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, हम आपको निगम मंडल में एडजस्ट करेंगे। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस में डर का माहौल है। अब ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस नेता बहाने ढूंढ रहे हैं और बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जी अच्छे नेता हैं, उनको अपनी प्रभारी शैलजा जी की चिंता करनी चाहिए थी। चुनाव में, चुनाव के बाद उनके ही पदाधिकारियों ने कांग्रेस के कहा कि शैलजा जी ने धन भी लिया और बल का उपयोग भी किया और खास लोगों को अपने यहाँ बुला कर रखते थे और एक वर्ग को तवज्जो दिया। तो अपने नेता की चिंता, अपने प्रभारी की चिंता करें। और जहाँ तक माननीय ओम माथुर जी का सवाल है, तो उनके नेतृत्व में भाजपा ने सत्ता छीनी है कांग्रेस से, और मेरा विचार है कि जो लोग कांग्रेस से यहाँ आते हैं वो कांग्रेस डूबता जहाज है, अपनी जान बचाने आ रहे हैं। पर हाँ, इस बात की गारंटी है,
कांग्रेसी आएंगे तो भाजपा में राजनीतिक शुद्धता और राष्ट्रवाद तो आ जाएगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव की बेला है, दलों में दल बदल का खेल जारी है और अब कमलनाथ को लेकर सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में भी मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।